दोस्तों नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार। तो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि आखिरकार सुपरटेक कंपनी क्यों दिवालिया घोषित हो गई। दरअसल पूरा मामला सुपरटेक के द्वारा यूनियन बैंक से लिए गए 510 करोड़ रुपए के कर्ज को ना चुका पाने से शुरू हुआ है। वैसे तो सुपरटेक के ऊपर 1200 करोड़ रुपए का कर्ज है। जब सुपरटेक ने यूनियन बैंक की किस्त नहीं भरी तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने NCLT यानी कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की दिल्ली बेंच के पास सुपरटेक के खिलाफ इंसॉल्वेंसी की याचिका दायर कर दी। बैंक के इस याचिका को NCLT द्वारा स्वीकार कर लिया गया। वहीं 25 मार्च 2022 को NCLT की दिल्ली बेंच ने सुपरटेक को दिवालिया घोषित कर दिया और दिवालिया प्रक्रिया शुरू कर दी है। इससे पहले सुपरटेक ने यूनियन बैंक के सामने वन टाइम सेटलमेंट का ऑफर रखा था, जिसे यूनियन बैंक ने एक्सेप्ट नहीं किया। जिसके बाद 17 मार्च 2022 को NCLT ने इस मामले में हुई सुनवाई के आदेश को सुरक्षित रख लिया। NCLT ने जांच की देखरेख के लिए हितेश गोयल को दिवालिया समाधान प्रोफेशनल IRP नियुक्त किया है। मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम और गाजियाबाद में सुपरटेक की कई परियोजनाएं अभी पूरी नहीं हुई हैं और सुपरटेक की दिवालिया प्रक्रिया शुरू होने से करीब 25,000 लोगों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। इन्होंने सुपरटेक के प्रोजेक्ट में घर बुक किए थे, लेकिन अभी तक उनको घर की रजिस्ट्री नहीं मिली है। घर खरीदने वाले पिछले कई वर्षों से घर मिलने का इंतजार ही कर रहे हैं। वहीं दिवालिया घोषित होने से पहले सुपरटेक के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के नियमों के उल्लंघन के चलते नोएडा में सुपरटेक के अमेराल्ड कोर्ट प्रोजेक्ट के 40 मंजिला के 2 टावरों को गिराने का आदेश दे दिया है। वहीं कंपनी का कहना है कि वह इस फैसले के खिलाफ NCLT में एक अपील करेगा कि यह मामला फाइनेंशियल क्रेडिटर से संबंधित है। घर खरीदने वाले लोगों को भरोसा दिलाते हुए सुपरटेक ने दावा किया है कि NCLT की इस कार्रवाई से उसकी कोई माराधीन परियोजना प्रभावित नहीं होगी। हमने पिछले 7 सालों में 40,000 से ज्यादा फ्लैट की डिलीवरी का मजबूत रिकॉर्ड बनाया है। हम आगे भी मिशन कम्प्लीशन 2022 के तहत फ्लैट की डिलीवरी करते रहेंगे, जिसमें हमने दिसंबर 2022 तक 7,000 यूनिट्स के डिलीवरी का लक्ष्य तय किया है। अब बात आती है कि जिन्होंने घर खरीदा है तो वो क्या करें। इन लोगों ने सुपरटेक में घर खरीदा है, उनके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन हैं। या तो वे अपनी होम लोन वाली EMI को देना जारी रखें और लोन को दिए गए टाइम पर चुकता करें और अपने फ्लैट के मिलने का इंतजार करें, या फिर वे अपने बैंक को यह आवेदन कर सकते हैं कि उनके रियल इस्टेट डेवलपर के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया चल रही है, लिहाजा रिजोल्यूशन प्रोसेस पूरा होने तक EMI पर मोरेटोरियम लगाया जाए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको EMI मोरेटोरियम विकल्प में एक्स्ट्रा भुगतान भी करना पड़ेगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही और जानकारी के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें।